नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। शाहीन बाग जो अब सिर्फ दिल्ली का एक इलाका नहीं रह गया, पूरे देश में एक प्रतीक बन चुका है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, विरोध का। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोक्यूटर्स संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुँचे। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान इंटरलोक्यूटर्स ने अपील की कि वो अपने प्रदर्शन की जगह बदल लें और शाहीन बाग में ही कहीं और प्रदर्शन करें। साधना रामचंद्रन ने यह भी कहा कि शाहीन बाग बरकरार है, बरकरार रहेगा और ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका हल ना निकाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से अगर कोई हल नहीं निकला तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसमें कुछ धमकी जैसा सुर भी हमें सुनाई दिया। बहरहाल, साधना रामचंद्रन ने ये भी कहा कि वो इस समस्या का समाधान चाहते हैं ताकि आंदोलन भी चलता रहे और जो रास्ता है, जो बंद है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, वो रास्ता भी खुला रहे। संजय हेगड़े ने आंदोलनकारियों को समझाने के लिए ये भी कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब ये इंटरलोक्यूटर्स कल फिर शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बात करने जाएंगे। सुनते हैं इन दोनों ने क्या कहा। हम नहीं मानते कि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है। तो अगर हम चाहते हैं हम देश को दिखा दें कि अच्छी नागरिक है, सच्ची नागरिक है, हम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कोई हल निकले और यही निकले, शाहीन बाग नहीं निकले, शाहीन बाग बरकरार रहते हुए निकले, शाहीन बाग बरकरार रहेगा। हम बार बार आपको बताना चाहते हैं, ना कोई हिंदू चाहता है, ना कोई ईसाई चाहता है, ना कोई सिख चाहता है कि मुसलमान परेशान हो या किसी। हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं और हाँ, आप सब हमारे माए हैं, बहने हैं और आपसे गुजारिश है, आप सोच के आप फैसला करते बताइए आगे। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं नेशनल मूवमेंट फ्रंट के कन्वीनर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सौरव वाजपेयी। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। संजय हेगड़े हों, साधना रामचंद्रन हों, बहुत खासे नामी गिरामी वकील भी हैं। इनकी जो इंटेग्रिटी है इन पर कोई शक नहीं कर सकता, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा साफ सुथरा है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि इनकी लोकल स्टैंड आई क्या है। इंटरलोक्यूटर्स तो सरकार भेजती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजे हैं, इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। ये अपनी बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार तक पहुंचा सकती है, यानी सरकार अलग हो रखी है, उसने अपना कोई इंटरलोक्यूटर नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को भेज दिया। तो क्या ये इंटरलोक्यूटर्स हैं, मध्यस्थ हैं या सिर्फ संदेशवाहक हैं? जी, बड़ा दिलचस्प है कि ताला कहीं और लगा हुआ है और चाबी कहीं और लगाई जा रही है। जो लार्जर इशू है, जो CA, NRC, NPR का इशू है, सारा डेडलॉक, और सिर्फ शाहीन बाग में नहीं, पूरे देश के भीतर वो एक डेडलॉक बना हुआ है और वो सरकार की तरफ से बनाया हुआ डेडलॉक है। शाहीन बाग के अंदर एक सड़क के मुद्दे पर, एक रोड ब्लॉकेट की एक पिटीशन पर ये सुनवाई करते हुए दो इंटरलोक्यूटर्स भेज दिए गए। आप देखिए कि वो इंटरलोक्यूटर्स दो दिन से लगातार जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक ही बात कर रहे हैं कि हम सड़क खुलवाने का रास्ता निकालना चाहते हैं। यानी बाकी के सारे मुद्दों से ना तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है और सरकार से तो बिल्कुल भी इस बात से कोई नाता नहीं है। बहुत ही एडमेंट ढंग से, बड़े दंभ के साथ प्रधानमंत्री ने अभी फिर से कहा कि हम 370 और CA जैसे मुद्दों पर हम अड़िग हैं, हम वहाँ से पीछे नहीं हटने वाले। तो एक तरफ जो अथॉरिटी है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो एकदम एडमेंट ढंग से बात कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि हम तो 3 दिन के अंदर आपको समय दे देंगे अगर आप चाहें तो। बूढ़ी बूढ़ी औरतें वहाँ से, दादियाँ शाहीन बाग से निकली, उनको भी सड़क पर रोक लिया गया। एक फुल जो फोटो आती है जिसमें पुलिस के सिर के ऊपर वो दादियाँ हाथ रखे हुए हैं, जो कहती हैं मैं अमित शाह से मिलने इसलिए जाऊँगी, वो तो हमारा बेटा है। और दूसरी तरफ
अमित शाह कहते हैं कि पुलिस गुस्से और उकसावे के बावजूद धैर्य बनाए रखे। तो जो मेन जो सरकार है, जो इसमें मेन प्लेयर है, जिसका सारा यहाँ पर खड़ा किया हुआ विवाद है, वो इतनी दंभ की भाषा बोलती है, इतनी घमंड की भाषा बोलती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक नैरो कंसर्न है कि ये सड़क खुले, और ये चूंकि वो उस खास पिटीशन पर सुनवाई कर रहे थे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो आकर के रोड ब्लॉकेट पर बात करेंगे। लेकिन दो पार्टीज और भी इस बातचीत में एंगेज होनी चाहिए, एक वो दिल्ली पुलिस और दूसरा भारत की सरकार। जी, शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही औरतों ने इंटरलोक्यूटर से सवाल पूछा कि अगर लोगों को सड़कों पर लगने वाले जैम से दिक्कत हो रही है तो सोचिए कि जो लोग यहाँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मीडिया ने उन्हें देशद्रोही कहा, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उनके बारे में झूठ फैलाया गया कि वो बिरयानी खाने यहाँ पर बैठे हैं, दिहाड़ी पर यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री क्या सरकार ही बातचीत नहीं करना चाहती? संजय हेगड़े ने बातचीत के दौरान कहा कि हम सब एक हैं, जिसके जवाब में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वो सब एक हैं लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं मानते। प्रदर्शनकारी ने ये भी कहा कि अगर शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी हट गए तो देश भर के शाहीन बाग, जो सैकड़ों की तादाद में इस वक्त, अपनी हिम्मत खो देंगे। सुनते हैं प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो संदेशवाहक गए हैं, मैसेंजर्स गए हैं, इंटरलोक्यूटर्स, तो अभी शक है कि इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर है या सरकार से बात करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे कि आपने हमने ये कहा, उन्होंने ये कहा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि सरकार को वापस जाना है, मामला सौंपना है या आगे बढ़ना है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि संदेशवाहकों से, मैसेंजर्स से बातचीत के ज़रिए कुछ ना निकलने की सूरत में आपको कौन कौन से सिनारियो दिखते हैं? देखिए, जिस तरीके के इंटरलोक्यूटर्स को जो अख्तियार देकर के भेजा गया है, और मैंने अपनी पिछली बात में कहा कि इसमें दो मेजर जो प्लेयर्स हैं उनको तो इस पूरी बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया। एक उसके अंदर दिल्ली पुलिस है। शाहीन बाग का जो रोड ब्लॉकेट है, जो नोएडा फरीदाबाद दिल्ली की जो सड़क है, जिसके 150 मीटर के दायरे के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके एकदम पैरेलल कालिंदी कुंज मीठापुर की सड़क को दिल्ली पुलिस ने 5 किलोमीटर पहले से ही ब्लॉक कर दिया है, और यूपी पुलिस ने दूसरी तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। लगभग दो अल्टरनेट ऐसे रास्ते हैं जो छोटे हैं, जो जीडी बिरला मार्ग जहां पर ये महिलाएं बैठी हैं उससे छोटे हैं, सकरे हैं, इसके बावजूद उनको खोल करके ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सकता था। दरअसल ये दिल्ली का पूरा जो चुनाव है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शाहीन बाग पर ही लड़ने का मन बना लिया था। अब उन्होंने वो चुनाव वहाँ पर शाहीन बाग के इर्द गिर्द लड़ लिया, लड़ने के बाद में हार गए। हारने के बाद में अभी उनको लगता है कि सड़क खाली करवाने का आसान सीधा रास्ता क्या हो सकता है, तो ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट यहाँ पर जो इंटरवीन कर रहा है, गले के अंदर कैंसर हुआ है और आप एंटी एलर्जी खिला रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। शाहीनबाग एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक बहुत बड़ा सिंबल है, और जो प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, ये मामला सिर्फ रास्ते का नहीं है, केवल रास्ते का मामला नहीं है। आप सीए एनआरसी, अभी मुझे 2 दिन पहले एक पोस्टर मिला वर्धा का शाहीनबाग। अब वर्धा में हजारों किलोमीटर दूर जो कुछ लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना शाहीन बाग बना रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट का एक मॉडल है। और ये सिर्फ और सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं है, ये एक लार्जर क्वेश्चन है जो सीए एनआरसी और एनपीआर के साथ जुड़ता है, और जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रास्ता निकलना है, रास्ता निकलने की कोई सूरत अभी मुझे नज़र नहीं आती है। बहरहाल, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि मामला सिर्फ रास्ते का नहीं है, और पुलिस ने जो दो वैकल्पिक रूट हैं, अल्टरनेटिव रूट्स हैं, उनको क्यों बंद किया हुआ है, और जो साथ में मिली हुई सड़क है उसको भी बंद किया हुआ है। तीसरे, इसी सड़क पे जहां प्रदर्शन जारी है, एम्बुलेंस और बच्चों के स्कूल की बसें अभी भी आ जा रही हैं। शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से जारी प्रदर्शन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सरकार जब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस नहीं लेती, वो अपना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी सरकार लेकर आई है
और शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बात करने सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों को भेजा है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार अपने नुमाइंदे भेजे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी बुजुर्ग औरतों की अगुवाई में अमित शाह के घर तक गए, जो प्रदर्शनकारी थे, जैसा सौरभ बता रहे थे अभी, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, ये दोनों सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं, ये प्रदर्शनकारियों को सरकार का पक्ष नहीं समझा सकते। शाहीन बाग में मुद्दा बंद पड़ी सड़क को बना दिया गया है, जबकि मुद्दा, असली मुद्दा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिस पर सुनवाई करने में कोर्ट कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रैफिक जैम उनके प्रदर्शन की वजह से नहीं लग रहा, बल्कि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से लग रहा है। उन्होंने स्कूल बस और एम्बुलेंस को जाने की जगह दे रखी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम इतना तो समझ रहे हैं कि मामला सिर्फ बंद रास्ते तक सीमित नहीं है, 150 मीटर की जो बात आप कर रहे हैं, या पूरे देश के सैकड़ों शहरों में जहाँ जहाँ शाहीन बाग चल रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, मैं भी कर चुका हूँ, क्या सरकार उनसे हिल गई है और इसलिए निशाना शाहीन बाग है? अब चुनाव भी हो चुके हैं और रास्ते के अलावा और कोई बहाना नहीं है और कोई उनके पास इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से जो जिस तरीके की इंटेंसिटी है इस मूवमेंट की और जो उसका जियोग्राफिकल रीच है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 70 साल में इमरजेंसी का मूवमेंट भी गुजरात, बिहार और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से बाहर नहीं जा पाया, लेकिन शाहीन बाग में तो अभी कल भी आप देखिए कि चेन्नई के अंदर कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है। तो यानी एकदम पेनिनसुला नीचे से लेकर के और ऊपर तक और नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन कोई 2-4-5 हज़ार लोगों के नहीं हो रहे हैं, लाखों लोगों के प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स एक वीक माइनॉरिटी नहीं है, बड़ी पावरफुल माइनॉरिटी है, और अगर वो पावरफुल माइनॉरिटी भी अपनी ताकत के साथ खड़ी हो जाती है तो आप उसकी बात को अनसुना, कोई भी कितनी भी बड़ी तानाशाही सरकार हो, उसकी अनसुना नहीं कर सकती। इस वजह से पहले तो एक शाहीन बाग के मार्फत पूरे के पूरे CANRC NPR के मूवमेंट की एक कम्युनल और मुस्लिम कम्युनल स्टीरियोटाइपिंग करने की कोशिश की गई कि गद्दार हैं, ये है, वो है, हथियार लेकर के भेज दो, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाओ और इनको गद्दार सिद्ध कर दो। थैंकफुली शाहीन बाग एक ऐसा मॉडल बनकर के आया जिसने नेशनलिज्म के ये जो RSS का जो नैरेटिव था, जो पूरे की पूरी अफवाह थी, उस अफवाह को इस बार बहुत इफेक्टिवली चैलेंज किया है और मुस्लिम कम्युनिटी पहली बार इनके इस गद्दारी और पाकिस्तान परस्ती वाली चीज़ का जवाब देने के लिए इतनी तेजी से असर्ट करके आई है अपने ब्रांड के नेशनलिज्म के साथ में, और इस वजह से इनको घबराहट है। क्योंकि अगर आप जामिया के इलाके में, शाहीन बाग के इलाकों में जाएँ तो लोग अपनी दुकानों के भीतर तिरंगा झंडा लगा करके बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा देश के झंडे के साथ में वो खड़े हैं कि इनसे बड़े नेशनलिस्ट तो वो दिखाई दे गए। जिनको ये कहते थे कि इनके हाथ में कभी तिरंगा नहीं था, उन लोगों ने तिरंगे को इस तरीके से हाथ में पकड़ा हुआ और उन्होंने हिस्टोरिकली पकड़ा हुआ है तिरंगे को संविधान की बात भी कर रहे हैं, प्रीएम्बल पढ़े जा रहे हैं जगह जगह पर की जा रही है, बिल्कुल। तो वो वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज इनको मिलता दिखाई देता है और दिल्ली का चुनाव इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है, इस वजह से घबराहट तो है ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार हिल चुकी है और उसमें घबराहट है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस इतने व्यापक स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर ऐसे प्रदर्शन होंगे जो शांतिपूर्वक होंगे, जहां लोग तिरंगा लेकर हाथ में निकलेंगे और संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को पढ़ेंगे जगह जगह पर। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव, हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-26072। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव और अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नागौर में 2 दलित युवकों के साथ जो हुआ वो नया नहीं है, पूरे भारत में कहीं न कहीं ऐसा होता आया है।
नया है तो ये है कि सरकारी मीडिया की लाख कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए ऐसी घटनाएं बाहर आनी शुरू हो चुकी हैं। नागौर में चोरी के इल्ज़ाम में दो दलित युवकों को 7 लोगों ने बेरहमी से बेल्ट और तारों से पीटा। दोनों युवकों में से एक के साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के मुताबिक आरोपियों ने पहले युवक के कपड़े उतारे, उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला किया और जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाला। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों दलित युवकों के साथ हिंसा के इल्ज़ाम में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मामले के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिया जाएगा। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं दलित चिंतक और प्रोफेसर रतन लाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया हमेशा की तरह हम अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये जो मामला है, क्या ये सिर्फ कुछ पैसों की चोरी का मामला है या सदियों की, हज़ारों सालों की बल्कि नफरत का मामला है? देखिए, एक तो ऐसी घटनाओं से मैं अचंभित एकदम नहीं हूँ, क्योंकि हजारों साल का जो कोड है, कैंसर है, जातीय दंभ का, वो 70-60 साल में वो जाने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे आप इस तरह पूरा आंकड़ा देखेंगे, सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ा, तो खास तौर से इस पीढ़ी जो होते हैं वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के होते हैं, दलित आदिवासी ये होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ वर्षों में उनकी हत्या का अनुष्ठानिक वध होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, रिचुअल जैसा एकदम पूरा यज्ञ हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं और नंगा घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, उना का कांड देख लीजिए और ऐसे तमाम घटनाएं देख रहे हैं। इसका क्या पर्पस है? सोशियोलॉजिकली इसका मतलब ये है कि एक घटना के थ्रू हजारों लाखों की संख्या में जो समुदाय के लोग हैं, जो सदियों से इनकी सेवा करते आए हैं, तथाकथित सेवक जो हैं, उनको टेररिज करने की कोशिश होती है कि तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो आपका ट्रीटमेंट इसी तरीके से होगा। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी हिंदू से पूछो, हिंदू का मतलब सवर्ण हिंदू से पूछो, लिखा है उन्होंने, अम्बेडकर अपने वॉल्यूम्स में लिखते हैं कि जब एक दलित के जीवन में सुधार होता है, अस्पृश्य के जीवन में सुधार होता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, खाना खाता है, मकान बनाता है, अच्छा नाम रखता है, तो किसी हिंदू को क्या समस्या होती है? सवर्ण हिंदू को तो वो सवर्ण हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। तो इसका बेसिस जो है, पूरा जो हिंदू धर्म का जाति वर्ण व्यवस्था का बेसिस है, वो नफरत, इनइक्वालिटीज, हेट्रेट पे आधारित है। इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये होंगी, हजारों साल का नफरत ही, और कुछ सालों में जिस तरह की सरकारें रही हैं, और ये मल्टी लेयर प्रॉब्लम है, एक परिवार है, एक समाज, संस्कृति और सरकार है, कई जगह पे है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो हम लोग तो किसी भी वायलेंस के खिलाफ हैं, किसी भी रेप छेड़छाड़ी के खिलाफ हैं, लेकिन वही सिविल सोसाइटी जो तथाकथित सवर्ण ऊंची जाति के लोग हैं, इस तरह की घटनाओं पे अपनी जुबान नहीं खुलता है। इक्का दुक्का एक्सेप्शन छोड़ के कोई मोमबत्ती नहीं निकलती है, चाहे खरनाल जी का मसला हो, चाहे तमाम हजारों ऐसे आते रहते हैं, न जंतर मंतर जाम होता है, ना ITO जाम होता है। तो इस तरीके से क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो ये बात मान के चलते हैं कि उनका जो पूरा जो लेबर पावर है, जो उनका डोमिनेंस है, बेसिकली वहीं से आ रहा। तो साइलेंस भी एक तरह का वो चुप्पी होता है। और घर परिवार में तो मैं जानता हूँ कि अगर फैमिली पाठशाला है तो भारत में मैं समझता हूँ, एज ए टीचर भी कह सकता हूँ, अमूमन दिस इज अ बैड पाठशाला, क्योंकि जात पात भेदभाव ऊंच नीच सब घर में ही सिखाया जाता है, उसको बढ़ावा घर से जी जाता है। जी, नागौर में जो दलितों के साथ जाति के नाम पर हिंसा हुई, ये नया नहीं है। इससे पहले 16 फरवरी को राजस्थान में एक दलित युवक की बारात पर ऊंची जाति वालों ने पत्थरबाजी की थी। आकाश कोटड़िया, जिनकी बारात पर पत्थरबाजी की गई, वो फौज में हैं, फौजी हैं। आकाश कोटड़िया के मुताबिक उनकी बारात पर पत्थरबाजी इसलिए की गई क्योंकि ऊंची जाति वालों को उनके घोड़ी चढ़ने से एतराज था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले बीते साल मई में राजस्थान के बीकानेर में भी राजपूत समुदाय के लोगों ने एक दलित दूल्हे को पीटा था क्योंकि उसने अपनी बारात में घोड़ी पर चढ़ने की हिमाकत की थी।
गुजरात में भी ठाकुर समुदाय ने सिर्फ इसलिए एक दलित परिवार के बहिष्कार का ऐलान किया क्योंकि उस परिवार ने अपने बेटे की बारात में घोड़ी का इस्तेमाल किया था। बीते साल सितंबर में दो दलित बच्चे अविनाश और रोशनी की हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि इन बच्चों ने खुले में शौच करने का जुर्म किया था बावजूद स्वच्छ भारत अभियान के, वहाँ टॉयलेट नहीं रहे होंगे। इससे पहले 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गाँव में ठाकुर समुदाय के लोगों ने दलितों पर हमला किया जिसमें 30 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या ये घटनाएं ये इशारा करती हैं कि आज खुलकर सरेआम निशाने पर मुस्लिम बिरादरी है, कल को दलित बिरादरी भी हो सकती है, या क्योंकि वो सवर्ण हिंदू बेशक ना हो लेकिन हिंदू हैं इसलिए इस कुछ घटनाओं तक ही महदूद रहेगी, सीमित रहेगी? नहीं, हिंदू तो सिर्फ वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम में दलित हिंदू होते हैं, इसके अलावा कभी वो हिंदू नहीं होते हैं, चाहे वो रस्म और रिवाज का मसला हो, शादी ब्याह का हो, पूजा पाठ का हो। बड़े बड़े लोग जब मंदिर में गए थे तो उनको मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था, आम दलित की तो बात छोड़ ही दीजिए, और जब उनको अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात होती है तब वो हिंदू नहीं होते हैं, वो दलित होते हैं, अनटचेबल होते हैं, और तमाम ये सब होते हैं। जितनी घटनाएं आपने जिक्र किया जी, आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना किसी ब्राह्मण को घोड़ी पे चढ़ने से पटक के पीट दिया गया हो, कभी नहीं सुना। तो आखिर ये घोड़ी क्या है? जैसे शाहीन बाग प्रतीक है आंदोलन का, उसी तरीके से घोड़ी जो है वो वर्चस्व और सत्ता का प्रतीक है। आजकल इस ज़माने में लोग लैंड क्रूजर और तमाम लिमोजिन पे चढ़ते हैं, लेकिन जो फ्यूडल माइंड है जो आ रहा है पूरा घोड़ी के साथ, जमींदाराना सोच के घोड़ी पे तो मूंछ मैं ही रखूँगा और घोड़ी पे मैं ही चढ़ूँगा, तलवार मैं ही रखूँगा। तो एक्चुअली जी रहे हम लोग 21वीं सदी में, लेकिन सोच जो है वो है 7वीं 8वीं सदी 9वीं 10वीं सदी का सामंती सोच है, इसलिए ये पूरा क्राइसिस है। और देखिए ये तो एक एक करके सब पीटे जाएंगे, कभी गाय गोबर के नाम पे मुस्लिम पीटे जाएंगे, कभी मंदिर में घुसने और घोड़ी चढ़ने के नाम पे दलित पीटे जाएंगे, कभी अखिलेश जी का जब मकानी शुद्धिकरण करा दिया, अखिलेश जी ने कहा भी कि मुझे पहली बार लगा कि मैं पिछला अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, तो शुद्धिकरण करवाया, शुद्धिकरण उनका घर हुआ था पूरा जब वो सीएम हाउस से निकले थे। तो जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो पूरा इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है, और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपार्टमेंट में है ये, एक जिसमें पैदा हुआ उसी में उसको मरना है, और मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक ही बहुत ही क्रूर समस्या है, और इस पर मल्टीपल एंगल से इस पर बहस होनी चाहिए, और एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरह के लेयर्स इसमें घुसे हुए हैं जी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध जिसमें रेप, मर्डर, हिंसा जैसे जुर्म शामिल हैं, इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक ऐसे दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर और गुजरात दूसरे नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ही 2017 में दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा के 43,203 केस दर्ज किए गए, और डेटा के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश ही में दलितों के साथ होने वाली हिंसा में 2014 से 2018 के दौरान 47% की बढ़त हुई है। वहीं गुजरात में 26%, हरियाणा में 15%, मध्य प्रदेश में 14%, महाराष्ट्र में 11% की बढ़त हुई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, उससे पहले मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे तो आर्टिकल 370 को एक झटके में ख़त्म कर सकती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला सकती है, NPR और NRC बनवा सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, बिना किसी व्यापारिक समझौते के डोनाल्ड ट्रंप के लिए जनता के खर्चे पर 2 दिन की पिकनिक भी ऑर्गेनाइज कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, और अगर सरकार चाहे तो कुछ मुद्दों पर बिल्कुल खामोश रह सकती है, जैसे नोटबंदी, GST, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की मंदी वगैरह। सवाल ये है, क्या दलितों पर अत्याचार भी इनमें से एक मुद्दा है जिस पर हमारे राष्ट्रपति के दलित होने के बावजूद सरकार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है? निश्चित रूप से, और जिन दो राज्यों का नाम आपने लिया वो एक जगह राम राज्य है, एक जगह लक्ष्मण राज्य है, अब कौन राम है कौन लक्ष्मण है ये तो जनता तय करेगी जी। और मैं अम्बेडकर की एक राइटिंग से एक मुझे बात याद रही है कि दलितों पर जो हमले उत्पीड़न होते हैं उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा कि पुलिस, मजिस्ट्रेट जितने अधिकारी होते हैं ये ज़्यादातर भ्रष्ट होते हैं, अगर भ्रष्ट ही हो तो कोई बात नहीं है, उसको कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन वो भ्रष्ट होने के अलावा एडिशन वो पक्षपातपूर्ण होते हैं, और जब भी उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है तो अपनी जाति वालों सवर्णों के पक्ष में करते हैं। इस तरह की हिंसा क्यों बढ़ रही है?
क्योंकि जो टेंडेंसीज बहुत हद तक कुछ समय तक दबी हुई थी 50-60 सालों में, पिछले 4-5 सालों में खास तौर से आरएसएस और भाजपा की सरकार आने के बाद ये टेंडेंसी खुल के बाहर आ गई है कि अब तो हमारा राम राज्य आ गया, जो मर्जी है वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, जो मर्जी है कर पुलिस हमारा, सीएम हमारा, स्टेट हमारा, और इस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा। सुबोध सिंह की हत्या हुई और हत्यारा बाहर निकला, उसका सेलिब्रेशन खुलेआम अनुष्ठान हो रहा है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। और देखिए, भारत का इतिहास देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था में जी, मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ इसलिए मैं मौर्य से लेकर नंदा सब, वर्ण व्यवस्था में व्यक्तिगत मुक्ति संभव है लेकिन सार्वजनिक मुक्ति संभव नहीं। राष्ट्र प्रधानमंत्री पिछड़ा है, दलित राष्ट्रपति है, लेकिन इसी प्रधानमंत्री और इसी राष्ट्रपति के अंतर्गत दलितों पिछड़ों के सारे हक मारे जा रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में 100 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। अहमदाबाद में झुग्गियों को छिपाने के लिए दीवार खड़ी की जा चुकी है, ये भी हम जानते हैं। और अब आगरा में, बहुत कम लोग जानते हैं, यमुना को साफ दिखाने के लिए हरिद्वार से 500 क्यूसेक गंगा जल छोड़ा गया है, क्योंकि 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप आगरा ताजमहल देखने आ जा रहे हैं और यमुना नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। गंगा यमुना के इस पानी के मिलन को बुलंदशहर की नहरों के जरिए पंप इन किया गया है, इसे आप चाहे तो गंग जमुनी तहजीब का ट्रंपीकरण भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए रामलीला से लेकर नौटंकी तक का इंतजाम किया है। समाजवादी नेता रमाशंकर सिंह के मुताबिक चक्रवर्ती सम्राट के स्वागत में पहले के गुलाम देश वेद की ऋचाओं और शंख ध्वनि से किया करते थे उनका स्वागत, और जो जितने भी ब्राह्मण होते थे वो सदा सदा के लिए हम पर राज करो का आशीर्वाद देते थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यही सब कुछ कर रहे हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, कृष्ण, राधा सब ट्रंप के लिए नुमाइश में खड़े किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से 3,000 कलाकार शामिल होंगे, कुल मिलाकर 16 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे। ट्रंप और उनकी पत्नी शायद ही उनकी ओर देखें, और देख भी लेंगे तो शायद ये कहकर आगे बढ़ जाएं, वेल डन रैम एंड सीटा, थैंक यू। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।